Greetings everyone. This is Archana from Bal Bharati Vidyapeeth. Dear students, today our topic is rounding off. तो rounding off होता क्या है? Rounding off means a number is made simpler by keeping its value intact but closer to the next number. हमें ऐसा नंबर फाइंड आउट करना होता है जो नेक्स्ट नंबर के क्लोजर हो. हमें एक क्लोजर नंबर को फाइंड आउट करना होता है. ओके, सो आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू राउंडिंग ऑफ. नाउ टुडे आई विल स्टार्ट राउंडिंग ऑफ. राउंडिंग ऑफ का मीनिंग क्या होता है? राउंडिंग ऑफ का मीनिंग होता है नियरेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना. So, I will start from the nearest tens. So, dear students, जब भी हम nearest tens find out करते हैं, for example, मैंने कुछ example लिया. First example is 27 and second is 24, right? So, इन दो example की help से मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि nearest tens कैसे find out किया जाता है. तो सबसे पहले आप यहाँ मेंशन करेंगे अपने प्लेसेस, जो भी आपका नंबर है उस नंबर के ऊपर आपको सबसे पहले मेंशन करनी है अपने प्लेसेस. तो वंस प्लेस 7 है और टेंस प्लेस हमारा क्या है? 2 है, राइट? तो अब हम क्या करेंगे, इसका राउंड ऑफ फाइंड आउट करेंगे, इसका नियरेस्ट टेंस फाइंड आउट करेंगे. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए हमें फाइंड आउट करना है यहाँ नियरेस्ट टेंस. जब भी हम नियरेस्ट टेंस फाइंड आउट करेंगे तो नियरेस्ट टेंस के आप राइट साइड में देखिए, आपके नियरेस्ट टेन के राइट साइड में क्या है? नियरेस्ट टेंस के राइट साइड में क्या है? 7 इज. अगर हमारी वंस प्लेस की वैल्यू, अगर हमारी वंस प्लेस की वैल्यू 5 से बिगर है, 5 या 5 से बिगर है, तो हमारा टेंस प्लेस में 1 ऐड होता है, राइट? टेंस प्लेस में 1 ऐड होता है और जो भी हमारी पीछे वाली वैल्यूज है, फॉर एग्जांपल हमारे पास वंस प्लेस है तो वंस प्लेस विल बी 0. यहां पे हमारा टेंस प्लेस में क्या हो जाएगा? 1 ऐड. तो 2 में 1 ऐड होगा, इट विल बी 3. सो नियरेस्ट टेंस ऑफ 27 इज 30, राइट? अब हम बात करते हैं 24 की. तो सबसे पहले अपने प्लेसेस मेंशन करेंगे, राइट? अब हमारा क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पर नियरेस्ट टेंस फाइंड आउट करना है. तो टेंस के लिए किसको चेक करेंगे हम? वंस को. टेंस प्लेस के लिए वंस प्लेस को, 100 प्लेस के लिए टेंस प्लेस को, 1000 प्लेस के लिए 100 प्लेस को. तो जो भी आपका वैल्यू है उस वैल्यू के, जिस वैल्यू का आपको राउंड ऑफ फाइंड आउट करना है, उसके राउंडिंग ऑफ के नेक्स्ट, आपकी जो लास्ट वैल्यू है, जैसे हमारा यहाँ पर है वंस प्लेस, तो वंस प्लेस हमारा क्या है? लेस देन 5 है. अब लेस देन 5 होगा तो क्या करेंगे? लेस देन 5 होगा तो टेंस प्लेस में कुछ भी चेंज नहीं होगा. नो चेंज ऑन टेंस प्लेस. Right? Tenth place में कुछ भी change नहीं होगा. So it will be same 2, but the ones place will be 0. क्यों 0 हुआ? क्योंकि हम यहाँ पर find out कर रहे हैं round off, nearest value find out कर रहे हैं कि 24 किसके near होगा? 20 के ज़्यादा near है या 30 के ज़्यादा near है? So like this we will do the nearest tens. अब हम एक काम करते हैं, कुछ और example लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से clear होगा कि हम अपनी values को कैसे find out करेंगे, right? तो so dear students, for example मैंने यहाँ पर आपके लिए example लिया है. अब सबसे पहले क्या करेंगे? Places mention करेंगे ones and tens. तो टेंस प्लेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको. टेंस प्लेस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उससे पहले वाली वैल्यू क्या है? पहले वाला प्लेस कौन सा है? वंस प्लेस. तो वंस प्लेस की वैल्यू चेक करेंगे. अगर वंस प्लेस की वैल्यू 5 या 5 से बिगर है तो हमारा टेंस प्लेस में 1 ऐड हो जाएगा और वंस प्लेस विल बी 0. अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड नंबर के साथ. अब सेकेंड नंबर में आप चेक कीजिए, आपको यहाँ पर
फाइंड आउट करना है, तो टेंथ प्लेस में आप किसकी वैल्यू चेक करेंगे? वंस प्लेस की। अब यहाँ पर वंस प्लेस की वैल्यू क्या है? लेस देन 5। और अभी मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि अगर हमारी वंस प्लेस की वैल्यू लेस देन 5 है तो हमारे टेंथ प्लेस में कुछ भी ऐड नहीं होगा, टेंथ प्लेस विल बी सेम बट द वंस प्लेस विल बी 0, राइट। सो अब हम बात करते हैं, आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे नियरेस्ट 100 को, राइट। इस टाइप से हम अपनी वैल्यूज को नियरेस्ट करोड़, नियरेस्ट 10 करोड़, जितना भी चाहिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ बात करते हैं नियरेस्ट 100 की। अब नियरेस्ट 100 की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अपने प्लेसेस लिखने हैं 100 तक, वंस प्लेस, टेंथ प्लेस, 100 प्लेस, राइट। हियर आई एम टेकिंग एग्जाम्पल 273। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? नियरेस्ट 100 फाइंड आउट करना है। तो नियरेस्ट 100 फाइंड आउट करने के लिए 100 से पहले वाली वैल्यू चेक करेंगे, मतलब राइट साइड की वैल्यू चेक करेंगे कि हमारा 100 के राइट साइड में क्या है। 100 के राइट साइड में क्या है? 10th प्लेस है। अब 10th प्लेस की वैल्यू हमारी क्या है? लेस देन और सॉरी इट्स मोर देन 5, मींस ग्रेटर देन 5 है हमारी। तो ग्रेटर देन 5 है तो क्या हो जाएगा हमारा 100 प्लेस में 1 होगा ऐड, बट उससे पहले वाले जितने भी प्लेसेस हैं, चाहे वो 10th प्लेस है चाहे वो 1th प्लेस है, सारे प्लेसेस हमारे 0 हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं एक और एग्जांपल के साथ, दिस इज द नेक्स्ट एग्जांपल। हियर आल्सो वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 प्लेस। यहां पर भी हमें 100 प्लेस ही फाइंड आउट करना है। तो 100 प्लेस को फाइंड आउट करने के लिए हमें किसे चेक करना है? 10th प्लेस को चेक करना है। तो 10th प्लेस की वैल्यू क्या है? लेस देन 5। तो लेस देन 5 है तो हमारा 100 प्लेस विल बी सेम और 10th प्लेस एंड 1 प्लेस विल बी 0, राइट। सो दीज आर द टू एग्जांपल्स ऑफ नियरेस्ट 100। अब हम बात करते हैं यहां पर नियरेस्ट 1000 की। नियरेस्ट 1000 की थाउजेंड में भी टू एग्जाम्पल्स लेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड, राइट। एंड हियर वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड, राइट। सो example, these two are the examples to find out the nearest 100 place. अब nearest 100 place find out करने के लिए हमने यहाँ पर two examples लिए। So first example आपको क्या कहता है? आपको find out करना है nearest 1000, right? Nearest 1000 को find out करने के लिए 1000 के right side में है 100 place, तो 100 place की value को आप check करेंगे। अगर हमारी 100 place की value, अगर हमारी 100 प्लेस की वैल्यू लेस देन 5 है, अगर 100 प्लेस की वैल्यू लेस देन 5 है तो हमारा 1000 प्लेस में कुछ भी चेंज नहीं होगा, लेकिन हमारे जो पिछले वाले जितने भी प्लेसेस है, चाहे वो 100 प्लेस है, 10th प्लेस है और 1th प्लेस है, सभी हमारे 0 हो जाएंगे, राइट। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल के साथ, उसमें आपको क्या दिया है? 3974। आपको यहाँ फाइंड आउट क्या करना है? नियरेस्ट 1000 फाइंड आउट करना है। तो नियरेस्ट 1000 जब आप फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए चेक करेंगे आप 100 प्लेस को, राइट। तो 1000 के लिए हम किसको चेक कर रहे हैं? 100 प्लेस को। यहाँ पर 100 प्लेस की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 5 है। 5 से जब बिगर होगी तो हमारी 1000 प्लेस में क्या हो जाएगा? 1 ऐड हो जाएगा, लेकिन पीछे वाली जितनी भी वैल्यूज हैं सभी हमारी 0 हो जाती हैं। सो लाइक दिस हम अपने राउंडिंग को किसी भी लेवल तक, किसी भी प्लेस तक फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। तो अब मैं कुछ एग्जांपल लूंगी आपके नियरेस्ट 10000 के लिए। नियरेस्ट 10000, जब मैं आपके लिए नियरेस्ट 1000 से रिलेटेड अगर आपको एग्जांपल्स दूं, तो फॉर एग्जांपल आपके पास है 74,100
85. So firstly we will write what? Firstly we will write places here, right? Places हम लिखेंगे यहाँ पर. तो अब हमें यहाँ पर find out करना है nearest 10,000. तो 10,000 के लिए किसको check करेंगे? उससे पहले वाली value. और पहले वाली value हमारी क्या है? 1000 प्लेस, राइट. अब हम 1000 प्लेस की वैल्यू को जब देखेंगे तो 1000 प्लेस की वैल्यू हमारी 5 से छोटी है. तो 1000 प्लेस की वैल्यू जब 5 से छोटी है तो 10,000 प्लेस में कुछ भी चेंज नहीं होगा, लेकिन हमारा 1000 प्लेस, 100 प्लेस, 10th प्लेस और 1st प्लेस सभी हमारे क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे. अब मैं कुछ और एग्जांपल लूंगी जिसमें मैं आपको 10,000, 1,000, 100, 10s and 1s. Here, the example is 75,185, right? अब हमें nearest 10,000 find out करना है, तो हम किसको check करेंगे? 1,000 place को check करेंगे. अब 1,000 place क्या है? हमारे पास 5 है. मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हमारा 10,000 प्लेस के लिए जब भी 1,000 प्लेस को चेक कर रहे हैं, तो अगर वो वैल्यू 1,000 प्लेस की वैल्यू हमारी 5 या ग्रेटर देन 5 भी हो, 5 होगी तो भी चेंज होगा, और ग्रेटर देन 5 होगी तो भी चेंज होगा. तो अब यहाँ 5 है तो भी हमारा 10,000 प्लेस में 1 ऐड होगा, राइट. अब हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो हमारी नियरेस्ट लैक से रिलेटेड होंगे. नियरेस्ट लैक से रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे यहाँ पर. नियरेस्ट लैक, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स में कुछ अलग चेंज करने वाली हूँ. देखिए, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैक एंड टेन लैक. बच्चे आपको यहां फाइंड आउट करना है नियरेस्ट लैक, लेकिन आपकी वैल्यू कहां तक है? 10 लाख तक है. आपको चेंज क्या करना है? आपको फाइंड आउट करना है नियरेस्ट लैक. तो आप अपना सिंपली जैसे आप क्वेश्चंस करते हो सेम वैसे ही करेंगे. आप यहां पर नियरेस्ट लैक ही फाइंड आउट कर रहे हैं, तो लैक के लिए आप 10,000 को चेक करेंगे. 10 लाख का कोई भी रोल नहीं होगा, ओके. सो अब लैक्स प्लेस के लिए हम किसको चेक करेंगे? 10,000 प्लेस को. अब 10,000 प्लेस की वैल्यू चेक कीजिए, इज लेस देन 5. तो लेस देन 5 है तो हमारा क्या होगा? लैक्स प्लेस में कुछ भी चेंज नहीं होगा. लैक्स प्लेस विल बी सेम, और उससे पीछे वाली जितनी भी वैल्यूज हैं 10,000, 1,000, 100, 10s एंड 1s ऑल विल बी जीरो, बट द 10 लैक प्लेस विल बी सेम. बिकॉज क्योंकि हमारा 10 लाख प्लेस की वैल्यूज में हमारा कोई भी रोल नहीं था. हमने 10 लाख प्लेस की वैल्यूज के साथ कुछ भी नहीं करना है, ओके. सो अब हम कुछ एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसी से रिलेटेड. अब हम नॉर्मली अपने लैक से रिलेटेड एक एग्जांपल ले लेते हैं. 2, 9, 4, 3, 2, 1, 0, राइट. तो मैंने अभी आपको बताया कि लैक्स प्लेस के लिए आपको चेक करना होता है 10,000 प्लेस, राइट. उसके राइट साइड में जो वैल्यूज है उसको आपको चेक करना होता है. तो लैक्स के लिए 10,000 को चेक करेंगे. अब 10,000 की वैल्यू आप जब चेक करेंगे यहाँ पर, सॉरी इट वॉज बाय मिस्टेक. सो 10,000 प्लेस में हमारे पास क्या है? 9 है. तो 10,000 प्लेस में 9 है तो हमारा लैक्स प्लेस में क्या होगा? 1 ऐड है, क्योंकि 10 लैक प्लेस की वैल्यू 5 से बिगर है, और 5 से बिगर है तो लैक्स प्लेस में 1 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा. और लास्ट वैल्यूज जो भी हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी? जीरो हो जाएंगी, ओके. सो डियर स्टूडेंट्स, लाइक दिस वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ राउंड. राउंडिंग ऑफ वैल्यूज वी कैन इजीली फाइंड आउट बाय दिस मेथड, ओके. हम इस टाइप से अपने क्वेश्चंस को किसी भी प्लेसेस तक फाइंड आउट कर सकते हैं और बहुत इजीली कर सकते हैं. अब मैं आपको कुछ एग्जांपल और दूंगी जो आपको क्या बताएंगे? एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट.
मैं आपको एक दो एग्जांपल दूंगी जो आपको एस्टीमेट प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए होगा। एस्टीमेट प्रोडक्ट हमारा, तो यहां देखिए दिस इज वन प्लेस, दिस इज टेंथ प्लेस, दिस इज हंड्रेड प्लेस। तो अपने हायर प्लेस के अकॉर्डिंग सेकंड हायर जो प्लेस होगा उस प्लेस के अकॉर्डिंग हमारा हायर प्लेस में क्या होगा, चेंज होगा। अब वन के अकॉर्डिंग हमारा मतलब सेवन के अकॉर्डिंग किसमें चेंज होगा, वन में चेंज होगा बिकॉज दिस इज वन प्लेस, टेंथ प्लेस एंड हंड्रेड प्लेस, राइट। तो अब हमारा क्या है, यहां पर वन में जो भी चेंज होगा वो सेवन के अकॉर्डिंग होगा, राइट। तो अब हमारा क्या है, वन प्लस वन इट विल बी टू, सो 200। हियर यू कैन सी हियर द हायर प्लेस इज सेकंड, जो भी नंबर है उसमें आपका हायर प्लेस क्या है, टू है। तो टू में जो भी चेंज होगा वो हमारा नेक्स्ट प्लेस के अकॉर्डिंग मींस वन प्लेस एंड टेंथ प्लेस, तो टेंथ प्लेस में जो भी चेंज होगा वो वन प्लेस के अकॉर्डिंग होगा, तो इट विल बी 30। सो व्हेन वी विल मल्टीप्लाई हियर, सो 3 टू द 6 It will be 6000, okay? इस टाइप से हम अपने मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जो भी आपका राउंड ऑफ मल्टीप्लीकेशन है, राउंड ऑफ प्रोडक्ट है, एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट है, तो आप अपने एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट इस टाइप से कर सकते हैं। सो आज सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर।